गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर गंभीर हादसा हुआ। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में NH 9 पर लोहे के सरियों से भरी एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली को जोड़ने वाला हुक टूटने से बड़ा हादसा हो गया। सरियों से भरी ओवरलोडेड ट्रॉली हुक टूटने के बाद वहाँ से गुजर रहे सवारियों से भरे ऑटो के ऊपर पलट गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हादसे के बाद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ऑटो की स्थिति से हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में 5 लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों में 3 लोगों को गाजियाबाद के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिनमें से 2 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल से दिल्ली के GTB अस्पताल रेफर किया गया। वहीं कुछ घायलों का नोएडा के शाहबेरी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब स्थानीय पुलिस हादसे की जांच में जुटी है।